नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम CTET 2024 की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। CTET एक क्रूशल एग्जाम है जो टीचर बनने की इच्छा रखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी और पढ़ाई का प्लान चाहिए। यह वीडियो आपको CTET 2024 की तैयारी के लिए कुछ इनोवेटिव और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगा जो आपको एग्जाम में सफलता पाने में मदद करेंगे। सबसे पहले CTET 2024 के नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। CBSE द्वारा समय समय पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए जाते हैं, इसलिए आपको लेटेस्ट जानकारी से अपडेटेड रहना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरे ट्रस्टेड सोर्सेज से लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डाउनलोड करें। हर सब्जेक्ट के वेटेज को समझें और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई का प्लान बनाएं। यह जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय देने की जरूरत है। इसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी सही स्ट्रेटजी और पूरी लगन के साथ तैयारी करना है। आज के डिजिटल युग में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स CTET जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक पावरफुल टूल बन गए हैं। यूनअकैडमी, BYJU's और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स CTET के लिए स्पेशली डिजाइंड कई कोर्सेज और मॉक टेस्ट्स देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा तैयार किए गए हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, पढ़ाई का मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध मॉक टेस्ट्स आपको असली एग्जाम के माहौल का प्रैक्टिस करने और अपनी तैयारी का लेवल चेक करने में मदद करते हैं। अपनी प्रोग्रेस का एनालिसिस करें और उन एरियाज पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज आपको अपनी स्पीड से और अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई करने की सुविधा देता है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। ये वीडियो लेक्चर्स डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी तरीके से समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप CTET की तैयारी के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए वेबिनार्स में भी भाग ले सकते हैं। वेबिनार्स आपको एक्सपर्ट से सीधे जुड़ने और अपने क्वेश्चंस के जवाब पाने का मौका देते हैं। रेगुलरली मॉक टेस्ट देना CTET जैसी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉक टेस्ट आपको असली एग्जाम के माहौल का प्रैक्टिस करने, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट लाने और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने में हेल्प करते हैं। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स CTET के लिए फ्री और पेड मॉक टेस्ट्स देते हैं। अपनी तैयारी के लेवल को चेक करने और इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज की पहचान करने के लिए रेगुलरली इन टेस्ट्स को ट्राई करें। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एग्जाम पैटर्न और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स की क्लियर समझ मिलेगी। नोट्स बनाना और फ्लैश कार्ड्स का यूज करना CTET परीक्षा की तैयारी के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है। पढ़ते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स को नोट करें। अपने नोट्स को शॉर्ट और ऑर्गेनाइज रखें जिससे उन्हें रिवाइज करना ईजी हो जाए। फ्लैश कार्ड्स का यूज इंपॉर्टेंट डेट्स, डेफिनेशंस और फॉर्मूलास को याद करने के लिए करें। फ्लैश कार्ड्स पोर्टेबल होते हैं और इन्हें चलते फिरते रिविजन के लिए इजीली ले जाया जा सकता है। रेगुलरली अपने नोट्स और फ्लैश कार्ड्स का रिविजन करें ताकि जानकारी आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ग्रुप स्टडी CTET जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। यह आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से कॉन्सेप्ट्स को समझने, डाउट्स क्लियर करने और एक दूसरे को मोटिवेट रखने में हेल्प करता है। एक स्टडी ग्रुप बनाएं जिसमें सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हों। रेगुलरली मिलें और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करें। एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें, डाउट्स क्लियर करें और एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाएं। ग्रुप स्टडी पढ़ाई को ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकता है। CTET परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। हर सब्जेक्ट के लिए पर्याप्त टाइम सेट करें
और किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर न करें। अपने दिन को छोटे छोटे स्टडी सेशंस में डिवाइड करें और हर सेशन के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें। अपना टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज जैसे कि सोशल मीडिया और टीवी देखना आदि को लिमिट करें। याद रखें, सक्सेस के लिए टाइम का रेगुलरली और डिसिप्लिन्ड यूज बहुत जरूरी है। शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल विकास CTET परीक्षा के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। इस सब्जेक्ट में बच्चों के सीखने की प्रोसेस, ग्रोथ स्टेजेस, टीचिंग मेथड्स और इवैल्यूएशन टेक्निक्स को शामिल किया गया है। इस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए NCERT की बुक्स और दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स का स्टडी करें। अलग अलग एजुकेशनिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझें। इस सब्जेक्ट पर अपनी समझ और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। लॉन्ग टाइम तक स्टडी करना टायरिंग हो सकता है और इससे स्ट्रेस और थकान हो सकती है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस कर सकें। रेगुलरली एक्सरसाइज, योग या ध्यान करें ताकि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें। सफिशिएंट नींद लें और हेल्थी फूड खाएं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टाइम निकालें और रिलैक्स करने और अपने हॉबी को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज में शामिल हों। याद रखें, एक हेल्थी शरीर और दिमाग स्टडी और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और CTET भी इससे अलग नहीं है। हर दिन कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस करने का टारगेट रखें। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करें और उन एरियाज को समझें जहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस गेन करने, एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर होने और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी CTET 2024 की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटजीज। याद रखें, सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और एक सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। अपनी तैयारी को सीरियसली लें, रेगुलरली स्टडी करें और अपने गोल पर फोकस रखें। आप सभी को आपकी CTET 2024 परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।